गोरखपुर विधानसभा चुनाव 2022 में इस समय चौरी चौरा विधानसभा की सीटें काफी विवाद में दिख रही हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के ही चार प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे थे, मगर जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ तो निषाद पार्टी ने एक उम्मीदवार ईश्वरचंद जायसवाल का नाम सामने आया। बाद में ईश्वरचंद जायसवाल का नाम काटते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के छोटे पुत्र सरवन निषाद को मैदान में उतारा। सरवन निषाद पहले गोरखपुर ग्रामीण से चुनावी मैदान में ताला ठोकने की तैयारी कर रहे थे, मगर फिर वहां से विधायक रह चुके विपिन सिंह को पुनः टिकट देकर सरवन निषाद को चौरी चौरा विधानसभा से टिकट दिया गया, जिसके विरोध में कल रात से चौरी चौरा की जनता डॉक्टर संजय निषाद और सरवन निषाद का जगह जगह प्रतीकात्मक पुतला फूंक रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.